नेम इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सैनी ऑफिशियल। जैसे कि आप लोगों को पता है, सर्दियां आ चुकी है और सर्दियों में सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम होती है वो होती है ड्राई स्किन की। हमारी स्किन दिन पे दिन बहुत ज्यादा ड्राई होती चली जाती है अगर हम कोई रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं या हम प्रोडक्ट ढंग से चूज नहीं करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक होम रेमेडी, यानी कि डू इट योर सेल्फ DIY, जो कि आप घर में इजीली बना सकते हो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके घर में मिल जाएंगे जिनसे कि आप ये रेमेडी बना सकते हैं। ये रेमेडी लगाने के बाद आपकी स्किन की जितना भी रूखापन है वो खत्म हो जाएगा और साथ ही में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये एलोवेरा जेल आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करी है। आज थर्ड डे हो गया है तब भी कितना फ्रेश है ये एलोवेरा जेल। तो अब हम इससे बनाएंगे अपनी रेमेडी। एक कटोरी ले ली है मैंने, इसमें आपको 2 से 2.5 चम्मच इसका डालना है एलोवेरा जेल का, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे। अब हम लेंगे विटामिन ई ऑयल, इसके हमें 5 ड्रॉप्स डालने हैं क्योंकि ड्राई स्किन के लिए ये रेमेडी है। विटामिन ई ऑयल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती है स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने के लिए। यहाँ पर मैं गुलाब की पत्ती का पाउडर ले रही हूँ, गुलाब की पत्तियों का पाउडर यानी कि रोज पेटल पाउडर। अगर आपको कहीं से ओरिजिनल गुलाब की पत्ती मिलती है आप वो भी ले सकते हैं और उसको आप पीस सकते हैं यानी कि ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप गुलाब का पाउडर भी ले सकते हैं। सो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। गुलाब की पत्तियां हमने इसीलिए ली है, इसके अंदर मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी पाई जाती है जो कि हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा एक ग्लो देती है और साथ में हमारे फेस को हाइड्रेट करने का भी काम करती है। यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्ब्स ना हो। कुछ इस तरीके का थिक पेस्ट होना चाहिए ये आपका। सो ये हो गया है। सो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फिंगर से ही लगा रही हूँ। एक थिक लेयर लगानी है हमें इसकी, पतली लेयर बिल्कुल भी नहीं लगानी। ऊपर की डायरेक्शंस में ही हमें पूरे पैक को लगाना है, नीचे की तरफ नहीं आना, यानी कि सारे डायरेक्शंस ऊपर की तरफ होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेंगे। इस पैक में अपनी ही बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, सेकेंड नंबर पे मॉइस्चराइज करता है, थर्ड नंबर पे अगर आपको कोई भी फटी हुई स्किन की इचीनेस की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करता है और साथ में आपको लॉन्ग हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। आप जब अपनी अपने फेस को वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फेस कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, कोई इचीनेस नहीं होगी आपको और साथ ही में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी लगेगा। तो कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेंगे पूरे फेस पर। आइज़ पर भी इसको आप लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से एक लेयर बना लेंगे इसकी मोटी सी हम। सो ये सूख गया है। तो अब सूखने के बाद मैं यहाँ पर रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ। रोज़ वाटर को अच्छे तरीके से स्प्रे करना है कि ये पूरा का पूरा गीला हो जाए। 2 मिनट बाद हमें फेस वॉश करना है और फेस वॉश कर लिया है मैंने यहाँ पर। आप इसको अल्टरनेट डेज में या डेली भी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन में ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आता है इसका वॉश करने के बाद ही। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है या ये रेमेडी पसंद आई है तो जिसको इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको डे टू डे लाइफ के बारे में बिहाइंड द सीन्स सारी चीजें मिल जाती हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्रिया सैनी ऑफिशियल आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।